अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अभी कल ही हमने गैलेक्सी A31 की अनबॉक्सिंग की थी और वक्त हुआ चाहता है इस फोन के कैमरा रिव्यू का। गैलेक्सी A31 में आते हैं चार कैमरास। यहाँ पे मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल सैमसंग GM2 सेंसर है। इस फोन में 8 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 5 मेगापिक्सल्स का डेप्थ और 5 मेगापिक्सल्स का मैक्रो कैमरा है। फोन के फ्रंट पे एक 20 मेगापिक्सल्स का कैमरा है। इस फोन में MediaTek Helio P65 12 नैनोमीटर चिपसेट है। बेसिकली ये फोन MediaTek चिपसेट की इमेज प्रोसेसिंग यूज कर रहा है। फोन की कैमरा ऐप की बात कर लेते हैं। कैमरा ऐप टिपिकल सैमसंग कैमरा UI के साथ आती है। ऐप में आपको बाय डिफॉल्ट 12 मेगापिक्सल कैप्चर मोड मिलता है। 48 मेगापिक्सल ऐप के टॉप से इनेबल किया जा सकता है। फोन के अल्ट्रा वाइड कैमरा 123 डिग्री वाइड इमेजेस शॉट कर सकता है। लेफ्ट साइड पे आपको लाइव फोकस देखने को मिल रहा है। लाइव फोकस में आप वाइड सेल्फीज भी कैप्चर कर सकते हैं। वीडियो मोड में ये फोन 1080p एट 30fps पे लिमिटेड है। वैसे तो Helio P65 में EIS कैपेबिलिटी है, लेकिन वीडियो रिजल्ट में आपको इस फोन की स्टेबलाइजेशन का ज्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस में प्रो मोड है, फूड और मैक्रो मोड भी है। प्रो मोड के अंदर ऑप्शंस ना होने के बराबर हैं। हैरानगी और परेशानी की बात यह है कि इस फोन में ना तो नाइट मोड है और ना ही स्लो मोशन। 40,000 की रेंज में Redmi Note 9S और Huawei Nova 7 आए, दोनों में स्लो मोशन है। बल्कि 30,000 की लाइन में भी Redmi Note 9 में भी स्लो मोशन मौजूद है। भाई सबसे पहले तो इधर Samsung के 10 में से दो नंबर काट लो ना, उनको तो साइड पे कर दो। अच्छा तो चलते हैं कैमरा के रिजल्ट की तरफ। सबसे पहले तो आपको 48 मेगापिक्सल वाली इमेजेस दिखाता हूँ और उसके बाद फिर आपको 12 मेगापिक्सल वाली में। अब यहाँ पे बजाहिर तो तस्वीर बहुत अच्छी लग रही है। आइडियली 48 मेगापिक्सल इमेज में शार्पनेस और डिटेल्स होनी चाहिए, लेकिन जूम करते ही हमें पता चलता है कि भाई इधर तो सीन ही उल्टा है। यही इमेज नॉर्मल मोड में देखें तो उसमें डायनामिक रेंज थोड़ी सी बेहतर नज़र आएगी, लेकिन दोनों इमेजेस में ना तो बैकग्राउंड ब्लर देखने को मिल रहा है, ना ही कोई कमाल की डिटेल्स, बल्कि हाइलाइट्स को भी डैमेज कर रहा है। मैं ये बात Huawei Nova 7 आए और Redmi Note 9S के कैमरा रिजल्ट को जेन में रखते हुए कर रहा हूँ। इमेजेस जनरल वार्म आ रही हैं और अगर लाइटनिंग बहुत अच्छी हो तो इमेजेस की कलर कंपोजिशन अच्छी रहेगी, लेकिन आप जो भी कर लें अच्छी डिटेल्स इस कैमरा से कभी नहीं मिलेंगी। कुछ इमेजेस में तो रिजल्ट बहुत आउटक्लास लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी ज़रूर रह जाती है। तस्वीरें खींचते हुए मुझे एक और चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि फ़ोन का शटर रिस्पॉन्स बहुत स्लो है। शटर बटन प्रेस करने के बाद आपको तस्वीर खींचे जाने का वेट करना पड़ता है। इस दौरान आपका हाथ या सब्जेक्ट हिल जाए तो तस्वीर ब्लरी हो जाएगी और आप ये स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। पहले तो इस फ़ोन में कोई इनबिल्ट-इन स्टेबलाइजेशन नहीं है और उसके बाद इसका कैमरा बहुत स्लो है। अल्ट्रा वाइड इमेजेस भी अपेरेंटली देखने में काफ़ी मज़े की लगती हैं, लेकिन सही आइडिया तब होता है जब आपके पास इमेज में जूम इन का रूम ही ना हो। अल्ट्रा वाइड कैमरा में डायनामिक रेंज वैसे ही बहुत कमाल की आती है। लो लाइट में तो ये कैमरा बिल्कुल ही बेकार है। इंडोर इमेजेस में कैमरा डिटेल्स और शार्पनेस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, सब कुछ भूल जाता है भाई। कलर्स को कहीं पे ओवर सेचूरेट कर देता है, कहीं पे डिस्टॉर्ट कर देता है। एज डिटेक्शन कोई खास नहीं, ज़्यादातर तस्वीरों में एजेस ब्लर्ड हैं। अब यहाँ पे नाइट मोड है ही नहीं, तो आप समझ सकते हैं कि लो लाइट या नाइट टाइम इमेजेस कैसी आएंगी। अंदाजे के लिए आप ये इमेजेस देख सकते हैं। फ़ोन में मैक्रो कैमरा भी है और ये शायद एक वाहिद कैमरा है इस फ़ोन का जो अपना काम बिल्कुल ठीक से कर रहा है। फ्रंट कैमरा की बात करें तो 20 मेगापिक्सल्स सेल्फी सिर्फ एक मोड में ली जाती हैं। सेल्फीज बहुत ज्यादा ब्यूटीफाइड हैं। ऑब्वियसली आप ब्यूटी मोड को कम भी कर सकते हैं। सेल्फीज बहुत ज्यादा सॉफ्ट हैं और जनरली बहुत कम शार्प भी हैं। डिटेल्स की कमी यहाँ पे भी है। तमाम सेल्फीज में सेचुरेशन थोड़ी सी हाई है। स्किन टोन क्लोज टू नेचुरल है, लेकिन कम्प्लीटली नेचुरल नहीं है। लाइव फोकस में बैकग्राउंड ब्लर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अलबत्त कुछ है जिसको भी रिमूव कर देता है। वीडियोस की बात करें तो इस फ़ोन का MediaTek Helio P65 चिपसेट वैसे तो EIS सपोर्ट करता है, लेकिन वीडियोस देखने के बाद मुझे लग रहा है कि इसमें EIS भी नहीं है। वीडियोस के लिए आपको गिम्बल यूज़ करना पड़ेगा। मुझे इस फ़ोन की वीडियो क्वालिटी कोई खास पसंद नहीं आई।
अब चलते हैं कंक्लूजन की जानिब। देखें भाई, अगर तो आपने बनानी है टिकटॉक्स, मेरा मतलब कि अगर तो फोन का कैमरा ऐप आपके लिए लाइफ एंड डेथ मैटर है, तो फिर ये मैं फोन आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। कैमरा फोकस्ड फोन लेना है तो या तो आप रेडमी नोट 9S चेक कर लें या फिर हुआवे नोवा 7i। गैलेक्सी A31 का कैमरा एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। इस फोन से अच्छी फोटोग्राफी के लिए आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइटिंग चाहिए। अब दोपहर में तपती धूप में बाहर जाके फोटोग्राफी करने से रहे और शाम के वक्त लाइट की कमी की वजह से ये कैमरा आपका साथ छोड़ जाएगा। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हैं कैमरा के लिए मैं ये फोन एंडोर्स नहीं करता। अपनी राय से हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, बहुत ज्यादा पसंद आई है तो शेयर भी करें, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा यार। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। फी अमानिल्लाह।